हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ इंडिगो एयरलाइंस का सैलरी कितना होता है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, सैलरी स्लिप भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आप अगर इंडिगो एयरलाइंस में एज अ ग्राउंड स्टाफ ज्वाइन करते हो, आपको आइडिया आ जाएगा कि सैलरी कितना होता है। आप अगर इंडिया में किसी भी एयरलाइंस पे ज्वाइन करते हो तो आपको इससे एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको एज अ फ्रेशर कितना सैलरी मिलेगा। मैं आपको फ्रेशर की सैलरी स्लिप शेयर करूंगा आपके साथ, तो आप इसको देख के अपना आइडिया ला सकते हो कि आपको कितना मिल सकता है। इंडिया में जितना भी एयरलाइंस है लगभग इतना ही सैलरी आपको प्रोवाइड करता है, पर मैं आपके साथ जो सैलरी स्लिप शेयर करूंगा वो एक मेट्रो सिटीज़ का सैलरी स्लिप है। तो आप अगर किसी नॉन मेट्रो सिटीज़ पे काम करोगे तो इससे थोड़ा कम हो सकता है आपका सैलरी। तो ये डिपेंड करता है सैलरी मेट्रो सिटीज़ के ऊपर भी और नॉन मेट्रो सिटीज़ के ऊपर भी। तो चलिए अभी हम लोग जाएंगे मेरे स्क्रीन पे, वहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि सैलरी कितना मिलता है एज अ फ्रेशर आप अगर ग्राउंड स्टाफ पे ज्वाइन करते हो। तो आप अगर इस चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, और आपका अगर कुछ भी क्वेरीज है इस वीडियो के कमेंट पे आप पूछ सकते हो, या तो मेरे को आप इंस्टाग्राम में भी डीएम कर सकते हो। तो अभी चलिए मैं अपने स्क्रीन पे आपको लेके जाता हूँ। सो हेलो एवरीवन, अभी आ गया हूँ मैं अपने स्क्रीन पर। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है सैलरी फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2022। ये एक रिसेंट पे स्लिप है और डिपार्टमेंट आप यहाँ से देख सकते हो, एयरपोर्ट ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस, एंड डेजिग्नेशन है ऑफिसर सिक्योरिटी AOCS, एंड मंथ डेज है 30 एंड पेड डेज है 30। और यहाँ से बेसिक सैलरी आप देख सकते हो, सैलरी पे 5833 जो बेसिक सैलरी है, और HRA मीन्स हाउस रेंट अलाउंस है 2917, एंड स्पेशल अलाउंसेस है 3205, यूनिफॉर्म अलाउंसेस है 1500, आपका फिर ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस है 7500, एंड मंथली बोनस है 833, एंड नाइट शिफ्ट अलाउंसेस है 1300। ये आपकी शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना ज़्यादा नाइट शिफ्ट या मॉर्निंग शिफ्ट ऑड शिफ्ट करोगे उसके हिसाब से आपका आएगा। तो टोटल सैलरी आ जाता है 23,088 रुपीज़, पर इसमें से कुछ डिडक्शन होगा प्रोविडेंट फंड का 1,265, एंड ESI का आपका 174, एंड प्रोफेशनल टैक्स आपका काटेगा 130। सो टोटल मिला के 1,569 आपका डिडक्शन होगा। तो आपका डिडक्शन होके इनहैंड सैलरी आ जाता है 21,519।